जिला पूर्ति कार्यालय बिजनौर एक ऐसा नाम है जिसके अमीर गरीब सभी वर्ग के लोग जुड़े होते हैं। इस विभाग में कार्यरत पूर्ति निरीक्षक व की हठधर्मी व तानाशाही के कारण गरीबों में पहुंचने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी होती रहती है। इतना ही नहीं, नजीबाबाद में कार्यरत पूर्ति निरीक्षक को तो एक ही काम है कि उन्हें जनता के राशन की कालाबाजारी कराकर अपनी जेब गर्म करनी है। यदि कोई गरीब भूखा सोता है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी चांदपुर तहसील में इन्होंने राशन डीलरों से मिलकर खाद्यान्न में कई बार घोटाले किए। इनकी कई बार जाँच भी हुई, किंतु यहाँ की जनता के खाद्यान्न तेल गैस आदि की ब्लैक में बिकवा कर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। बिजनौर सदर तहसील में एक महिला पूर्ति निरीक्षक को तो कहना है कि वह तो किसी MLC भाजपा नेता की धमकी देती रहती है और उन्हीं की आड़ में खुलेआम जनता का राशन ब्लैक में बिकवाती है। कुछ दिन पहले की एक घटना है कि पूर्ति निरीक्षक सदर बिजनौर में एक बुग्गी का ही चोरी की पकड़ी गई। बुग्गी में तेल चीनी आदि भरा हुआ था। पूर्ति निरीक्षक को बार बार फोन करने पर मौके पर 2-3 घंटे लेट लतीफी के बाद पहुंचे। उन्होंने राशन डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही पकड़ी गई बुग्गी की कोई सूचना उन्होंने अपने आला अधिकारियों को दी। घटना के बाद राशन डीलर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ पता ही नहीं कि इतना ही नहीं कि यदि कोई चोरी की घटना मैडम को फोन पर दी जाए तो उनका फोन ही नहीं उठता। मैडम अपने कार्यालय में भी बहुत कम दिखाई देती हैं, केवल सरकार से वेतन लेकर वे राशन डीलरों से धन उगाही कर घर पर ही रहती हैं।